खबर जालौन के माधोगढ़ से। माधोगढ़ पुलिस की तत्परता से लूट की फर्जी सूचना देने वाला अभियुक्त पुलिस की गिरफ्त में है। माधोगढ़ कोतवाली के अंतर्गत भीमनगर मोड़ से अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र संतोष कुमार निवासी भीमनगर ने डायल 112 पर लूट की सूचना दी। अभियुक्त द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि कुछ अज्ञात लोग बाइक से आए, हमारे साथ छीना झपटी कर 43,000 रुपए की लूट कर मध्य प्रदेश की ओर भाग गए, जिस पर तेज तर्रार प्रभारी निरीक्षक बीएल यादव ने सक्रियता दिखाते हुए मामले का खुलासा चंद घंटे में कर डाला। आखिर नतीजा वही हुआ, भय बिना होए न प्रीत। अभियुक्त ने पुलिस के सामने जाते ही सारे षड्यंत्र के अनुरूप सारे राज उलट दिए। वह पुलिस को लिखित तौर पर बयान दे दिया। अभियुक्त ने बताया कि हमने पत्नी के साथ प्रपंचना रचते हुए पुलिस को लूट की झूठी सूचना दी, जिस पर माधोगढ़ प्रभारी निरीक्षक ने अभियुक्त के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने का प्रावधान किया। क्या मामला हुआ था आपके साथ? क्या सूचना दी थी? मैंने एकदम दिमाग घूम गया, मैंने पुलिस को फोन कर दिया। किस बात के लिए फोन किया था? इस बात के लिए कि मेरी जेब में 43,000 रुपए खिंच लिए। फिर आपने, आपके पास पैसे वो मिले हैं, मौजूदगी में आपके पास मिले हैं, फिर आपने पुलिस को परेशान किया, क्यों किया, क्या कारण? सर गलती हो गई। गुप्ता जी, किस वजह से गलती हुई है? वजह क्या, मैं दुकानदार को दिए थे इसलिए। कौन दुकानदार को दे दिए थे आपने? विकास को। विकास को? फिर आपने पुलिस को सूचना क्यों दी झूठी, आपने 112 नंबर पर? ऐसा क्या कारण था? लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन